और इस समय सबसे बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान की फिल्म पठान के सेट से। अचानक शाहरुख की फिल्म को ऐसी नज़र लग गई है जिसकी वजह से अब शाहरुख खान भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए हैं। जी हाँ, पठान के सेट पर कोरोना का आतंक हो गया है। हालांकि खबरें हैं कि बिना कोरोना हुए शाहरुख खान होम आइसोलेशन में चले गए हैं। दरअसल शाहरुख खान की फिल्म पठान के सेट पर एक क्रू मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी और फिल्म की पूरी टीम क्वारंटाइन हो गई है। हालांकि शाहरुख खान ने कोरोना टेस्ट कराया है या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। और पठान को लेकर आई खबर पर यशराज बैनर की तरफ से अभी कोई सफाई नहीं दी गई है। वैसे बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से ही कुछ दिनों पहले फिल्म पठान के सेट कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था। महाराष्ट्र में अचानक से कोरोना के मामलों में उछाल दर्ज की गई थी, जिसके बाद मेकर्स ने फिल्म सिटी में बन रहे पठान के एक सेट का निर्माण कार्य रोक दिया था। वहीं फिल्म पठान की शूटिंग के लिए मेकर्स कुछ दिनों पहले दुबई गए थे। वहां का शेड्यूल खत्म करने के बाद मेकर्स ने दोबारा मुंबई का रुख किया था। यशराज बैनर ने मुंबई की फिल्म सिटी में ही पठान के सेट का निर्माण किया था, जहां शाहरुख शूटिंग कर रहे थे। हालांकि अब क्रू मेंबर के पॉजिटिव आने के बाद टीम में चिंता का माहौल है और बस दुआ करते हैं कि शाहरुख इस कोरोना से बचे रहें। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, कटरीना कैफ और आमिर खान जैसे स्टार्स कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं इन स्टार्स में से कुछ तो ठीक हो चुके हैं तो कुछ अभी भी इस महामारी से लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पठान के सेट पर भी कोरोना का आतंक हुआ है, वाकई में मानो जैसे किसी की नज़र लग गई हो। हालांकि अब महाराष्ट्र में अब इतने केसेस बढ़ रहे हैं कि वहाँ की कंडीशन बद से बदतर हो रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि ये सिचुएशन जल्द से जल्द अंडर कंट्रोल हो और शाहरुख फिर से फिल्म पठान की शूटिंग का आगाज कर सके। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।